नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे ट्वेजिकिस्पास टैबलेट के बारे में। देखिए, यह जो टैबलेट है इसके अंदर 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया गया है। इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट्स है मेफिनेमिक एसिड है, साथ में इसके अंदर पामाबोम एंड डाइसाइक्लोमाइन। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि किस किस प्रकार की समस्याओं में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। जब मरीज इस टैबलेट का उपयोग कर लेता है तो उसको इसके क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि ये जो टैबलेट है ट्वेजिकिस्पास, इसके बारे में आपको इसकी पूरी नॉलेज मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यह जो टैबलेट है इसके अंदर 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया गया है। इस टैबलेट का मुख्य उपयोग पेट दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। अपन बात करें कि किस किस प्रकार के पेट दर्द में अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब महिलाओं के पीरियड्स आते हैं तो उनके दौरान उनके पेट के अंदर बहुत तेज दर्द रहता है, ऐंठन जैसी समस्याएं रहती है। तो देखिए, उसमें आराम पाने के लिए भी महिलाएं इस टैबलेट का उपयोग कर सकती हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जब पुरुष या महिलाएं अपने कोई गलत खान पान कर लेती है, दूषित भोजन कर लेते हैं, तो उसके दौरान भी उनके पेट के अंदर दर्द होने लग जाता है। जो मांसपेशियां होता है उनके अंदर ऐंठन जैसी समस्याएं होने लग जाती है। तो उससे राहत पाने के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। देखिए, अपन इसके कुछ नॉर्मली साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो वैसे आपको इसके कुछ भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यह जो मेडिसिन है कॉम्बिनेशन मेडिसिन है तो आपको कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मुंह में सूखापन होना, डायरिया या कब्ज की समस्या, सिर दर्द आना, खुजली, मतलब कि कोई एलर्जिक समस्याएं हो जाना। तो इस प्रकार की यदि आपको समस्याएं हो तो आप इस टैबलेट का उपयोग करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस टैबलेट का उपयोग करें। देखिए, अपन इस टैबलेट की प्राइस के बारे में बात करें तो अभी मैं जिस टैबलेट का रिव्यू कर रहा हूँ ट्वेजिकिस्पास, इस टैबलेट की प्राइस है 100 रुपये, जिसके अंदर 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको नॉर्मली मिल जाती है। यदि आप अन्य ब्रांड कोई दूसरी टैबलेट का इस्तेमाल करोगे जिसके अंदर ये तीनों कॉम्बिनेशन इंग्रेडिएंट्स दिए गए हों तो उसकी प्राइस में आपको कम या ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अपन देखिए, इस टैबलेट की डोज के बारे में बात करें तो देखिए, यदि कोई महिला है उसके मासिक धर्म आया हुआ है, मतलब कि पीरियड्स आए हुए हैं, उसके दौरान उनके पेट के अंदर दर्द रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में 2 से 3 दिन तक वह कंटिन्यू 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को ले सकती है। या फिर कोई व्यक्ति है या महिला है उसके अचानक से खान पान की वजह से पेट के अंदर दर्द हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में वह आवश्यकता के अनुसार इस टैबलेट का उपयोग कर सकती है। बिना डॉक्टर की सलाह के बिना आपको इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना है ताकि आपको इसके कुछ साइड इफेक्ट्स का सामना नहीं करना पड़े। तो देखिए, मैंने आप सभी को पूरी जानकारी वीडियो में दे दिए कब और कैसे इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है, उपयोग करने के बाद में पेशेंट को इसके क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली तो यार वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।